वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26, जो कि है 3 सितंबर की जो वर्कशीट, जिसके अंदर हम देखेंगे पहले सोशल साइंस क्लास 10th की, और उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश। तो आइए चलते हैं अपना सोशल साइंस का जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए लगाई जाती हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग पेन का, पेंसिल का, मोटरसाइकिल, कार या आपका खाने का। तो कोई भी चीज आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है। अब यहाँ पे आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री, तो एक लोकेशन की इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद सोचिए, दिमाग लगाएं, आपको कोई बिजनेस करना है तो आप अच्छी लोकेशन ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे, जहां पर होंगे। मैं जाके डेजर्टेड एरिया में, मतलब एक डेजर्ट जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता, वहां पर जाके इंडस्ट्री खोल लूंगा तो हमारे लिए क्या फायदा होगा, कोई नुकसान ही है सारा का सारा। उसी तरीके से इंडस्ट्री खोलते समय, लगाते समय हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप प्लीज हिंदी में इस वर्कशीट को सुने, सेम वर्कशीट जो है हिंदी में भी हम आपको दिखाएंगे उसके आंसर। तो एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही है जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, तो हमें ये देखना होता है कि जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जहाँ पर हमारी जो साइट है, जहाँ पर हमारी जो लोकेशन है, ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें आसानी से कम दामों में मिल जाए। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, हमें ज्यादा दूर भी जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम आराम से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कॉस्ट है वो भी कम लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है जब आपका प्रोडक्शन करते समय जो भी कॉस्ट लगती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर, लेबर बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है, तो लेबर का जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे। लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। सो इन्हीं सब के बेसिस पे, इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा जो लोकेशन जो होता है वो डिसाइड करता है। आगे इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बता रखे हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन और कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इतना आसान तरीके से सब कुछ नहीं मिल पाता। ये जो तीन पॉइंट इन्होंने बताए हैं ये इतनी आसान तरीके से नहीं मिल पाते, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एक इंडस्ट्री को लोकेट करना। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी वहां पे आ जाते हैं बीच में। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ पे रॉ मटेरियल मिल सकता है। सपोज करो मुझे टी की अगर मुझे फैक्ट्री लगानी है तो भाई दिल्ली जैसी जगह पे थोड़ी ना लगाएंगे जहाँ पे टी लीव्स ग्रो ही नहीं करती, तो हमें ऐसी जगह पे जाके फैक्ट्री लगानी पड़ेगी जहाँ पे टी लीव्स ग्रो करती हैं। तो एक कॉमन एग्जाम्पल वो हो सकता है। लेबर, हमें ऐसी जगह पे भी लगानी पड़ेगी जहाँ पर लेबर थोड़ा सा सस्ता हो। कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा मिल रहा हो हमें आसानी से वहां पे काम करने के लिए। पावर, मार्केट एक्सेट्रा, इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल, बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे फैक्टर्स। जिसके पास ये फैक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं वो आपको लगे वो मार्केट में बहुत ही टॉप पोजिशन पे पहुंच जाती है कंपनी। तो आपको भी अगर कभी फ्यूचर में बिजनेस करना हो, और ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, फैक्ट्री के लिए नहीं, आप इसको कोई भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो इस अंडरस्टैंडिंग को। आपको कोई बिजनेस करना तो आप ऐसी जगह पे करोगे जहाँ पे आपका खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट। देखो, या तो वहाँ उस लोकेशन पे या सारे सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हों, और अगर फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो उनको कम से कम दामों में हमें अवेलेबल कराया जा सके। तो ये पहले ही इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले सारी कॉस्ट की कैलकुलेशन कंपनी वाले करते हैं, तभी वो फैक्ट्री लगाते हैं वहां पर। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज, इसका मतलब ये हो गया जैसे किसी जगह पे इंडस्ट्री लग जाती है तो वहां पे आसपास जो होगा आपने देखा होगा लोग भी आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कोई इंडस्ट्री लगी उसके आसपास क्या होता है, चाय का स्टॉल लग जाता है सबसे पहले, और साथ में और छोटी मोटी दुकानें लगने लग जाती है। चाय लग गया तो पकौड़े के लग गए, उसी तरीके से खाने का लग गया, तो आसपास क्या हो जाता है और छोटी छोटी दुकानें लगने लग जाती है, और धीरे धीरे वहां पे पूरी मार्केट भी ग्रो हो जाती है आसपास। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला है
एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होते ही वहां पे अर्बनाइजेशन भी आ जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी। जानबूझ के इंडस्ट्रीज जो है वो सिटीज के आसपास लगाई जाती हैं। कभी आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, ताकि वहां पर उनको बेचा भी जा सके, सिटीज के अंदर माल बेचा भी जा सके जल्दी से जल्दी। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब होता है दोनों साथ के साथ चलते हैं। जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, जहां पे अर्बनाइजेशन होगा वहीं पर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी एक्सेट्रा। कौन प्रोवाइड करता है? सिटीज। तभी इंडस्ट्रियल लोगों को सिटीज बहुत पसंद आती है। तो क्यों पसंद आती है? क्योंकि वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तभी आपने देखा होगा आप गांव में चले जाओ, गांव में ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता है। दूर दूर में एक बैंक होगा, दूर जाके एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो सिटीज में ये चीजें क्या होता है, बहुत ही आराम से आपको मिल जाती है, इस वजह से इनको फायदा होता है जल्दी काम करने में। तो इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्लेस इज सूटेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री। तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल फैक्टर्स आर ईदर अवेलेबल और अरेंज एट अ लोअर कॉस्ट। तो ये आपके जो दो लाइनें हैं ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। आई चलते हैं आंसर नंबर टू की तरफ। वाइल इंडस्ट्रीज प्रमोट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम सिटीज। हाउ? तो हमें यहाँ बताना है कि सिटीज से उनको कैसे बेनिफिट होता है। तो सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स, और यहाँ से लेकर ये पूरे दो लाइनें एंड तक आपको लिखना है, ये इंडस्ट्री तक लिखना है। तो ये आंसर नंबर हो जाएगा आपका टू। आइए चलते हैं आंसर नंबर थ्री की तरफ। आंसर नंबर थ्री है, क्वेश्चन है, हाउ डज मार्केट अवेलेबिलिटी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, थिंक एंड राइट। तो अभी हम इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। आंसर नंबर थ्री आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे दिया है, हमने देख दिया है यहाँ पर। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री और एनी इंडस्ट्री। इट हेल्प्स पीपल इन बाइंग इम्पोर्टेंट गुड्स। इट क्रिएट्स बिजनेस फॉर मेनी पीपल और ट्रेडर्स। इट ऑल्सो गिव प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली मार्केट जो है, आपकी कोई भी मार्केट हो सकती है, आपके आसपास मार्केट लगती होगी, तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है। मार्केट ना हो तो आपको सामान नहीं मिल पाएगा, तो अगर सामान नहीं मिल पाएगा तो आप कुछ और काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सब आपस में इंटरलिंक है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज को भी मार्केट के आसपास ही अपनी इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, ताकि उनका टाइम भी बचे और एफर्ट भी बचे। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू वॉन्ट टू सेट अप एन इंडस्ट्री then which two things will you be taken care of most? तो यहाँ पर तीन चीजें दे रखी हैं आपको, कोई भी दो लिखने हैं। मेरे हिसाब से तो तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, बट आपको अगर दो लिखने हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले दो आपका यहाँ पर एक ये पॉइंट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। तो ये दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये दो पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आइए चलते हैं इसी वर्कशीट को देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। तो इसके अंदर हमने स्टेप्स बताई दिए हैं कि हमें बचत रखनी चाहिए। यहाँ पे जो वर्कशीट है, वर्कशीट में ही यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा है, बट मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। कच्चा माल प्राप्त, रॉ मटेरियल हो गया कच्चा माल, और उत्पाद की लागत हो गया मतलब कॉस्ट, और वितरण मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जिसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है? तो कौन सा स्थान उपयुक्त होता है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये जो हाईलाइट करा है ये आपका उत्तर नंबर एक हो जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर नंबर दो की तरफ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दो है, उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देता है वहीं शहरों से उद्योग को भी लाभ होता है, बेसिकली उठाता है। तो ये हमने आखिर में यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो हाईलाइट करा है ये आपका उत्तर नंबर दो हो जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर नंबर तीन की तरफ। प्रश्न नंबर तीन है, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता
मदद करती है? तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। नंबर 3 का उत्तर आ चुका है, आप यहाँ से पढ़ के अपना एक सैम्पल आंसर पढ़ सकते हैं इसको, और अपने वर्ड में अपने ख्याल भी इसके अंदर जोड़ के आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज्यादा किन दो बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों? तो आपको यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो दो तीन पॉइंट जो यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी दो पॉइंट आप इसमें से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पहला और ये तीसरा वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वर्कशीट में समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 26, 3 सितंबर की ये वर्कशीट है। तो हम ऑलरेडी एक स्टोरी कर रहे थे, अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी, चैप्टर 1 है ये आपका, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से। तो उसी की ये कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है। तो कहानी में आगे क्या होता है वो अब देख लेते हैं। तो इस कहानी में अभी तक ये बताया गया है कि ट्रिकी नाम का एक छोटा डॉग है जो बहुत ही पैम्पर्ड है और ओवरफेड है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो उसकी जो ओनर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और इसलिए बहुत ही ज्यादा उसकी छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं उसको वो मान लेती है और ओवरली उसको पैम्पर करती है, बहुत जरूरत से ज्यादा उसको खिलाती है, खाना खिलाती है। इस वजह से ट्रिकी जो है वो सीरियसली इल हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। और उसकी जो ओनर है वो फिर जो वहां का सर्जन है, वेटनरी सर्जन डॉक्टर हेरेट जो है, उससे जो है वो कंसल्ट करती है। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं उसके डॉग की ट्रीटमेंट की, कि डॉग रिकवर कैसे होता है। तो आगे हम चलते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। मिसेस पम्फ्री लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच दैट शी यूजली ओवरफेड हिम। शी आल्सो हैड बीन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुडंट ईट, ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। तो पिछली वर्कशीट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ब्लोटेड सॉसेज कैसा दिखता है। और ट्रिकी जो है वो उसकी जो मिस्ट्रेस जो है वो उसे बहुत ज्यादा खिला रही थी, जरूरत से ज्यादा ओवरफेड कर रही थी, और साथ ही साथ वो ऐसी चीजें भी उसे खिला रही थी जैसे कि चॉकलेट्स और क्रीम पाइज, वो भी उसे खिला रही थी जो उसे नहीं खाने थे, जो उसको खाने के लिए मना थे। तो उसके आगे फिर अब क्या हुआ, जब डॉक्टर उससे उनसे मिला और वो डॉक्टर जो है वो स्ट्रिक्टली उन्हें बोल रहा था कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, तो आगे वो क्या बात करते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, now really mean this, if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill, you must harden your heart and keep him on a very strict diet. So ye aaye jo hai yahan par Mr. Harriet hai, Dr. Harriet hai, wo ye keh rahe hain, wo severe sound kar rahe hain, wo matlab ki wo bahut hi zyada serious sound karna cha rahe hain, aur serious sound karte hue wo keh rahe hain ki dekho main ye seriously mean kar raha hu कि अब अगर तुमने इसके खाने की क्वांटिटी कम नहीं की और इसको एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें अपना दिल पक्का करना पड़ेगा, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, और इसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, ये कुछ भी मांगे तुम्हें उसके बहकावे में नहीं आना है। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। तो वो जो है अपने हाथ जो है ऐसे ऐसे हिलाने लगी कि हाँ हाँ मैं जरूर कोशिश करूंगी, मुझे पता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन ये इतना मुश्किल है करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस। तो वो एकदम से अचानक से जो है अपने डॉग के साथ जो है रोड पर चलने लगी और बिल्कुल इस तरह से वो दिख रही थी, डिटरमाइंड दिख रही थी, कि जैसे ऐसा लग रहा था कि बस इमीडिएटली जो है वो ये जो रेजीम है, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो उन्होंने पूरा स्केड्यूल है वो इमिडिएटली इसको एम्प्लॉय कर देंगी, इमिडिएटली इसको लागू कर देंगी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, लेकिन डॉक्टर को पता था कि जो उसकी मिस्ट्रेस जो है, जो मिसेस पम्फ्री जो है उस डॉग की मिस्ट्रेस, वो बहुत लंबे समय तक जो है वो अपना रेजोल्यूशन, अपना डिटर्मिनेशन नहीं कायम रख पाएंगी। वो पक्की बात है कि कुछ दिनों बाद फिर से जो है अपनी पुरानी आदतें वो शुरू कर देंगी अपने डॉगी को पैम्पर करने की। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखना कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फ्री उन्हें फिर से फोन करेंगी ये कहते हुए कि उनका डॉगी बहुत ज्यादा बीमार है। और ये जो कॉल थी, जो एक्सपेक्टेड थी, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डॉक्टर हैरियट की हाँ वो ये कॉल आएगी,
वो कुछ ही दिनों में आ भी गई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज्यादा मिसेस पम्फ्री चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, उसकी जो फेवरेट डिशेज थी, फेवरेट उसका जो खाना था वो भी वो नहीं खा रहा था, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी कर रहा था, बहुत ज्यादा उसे उल्टियां भी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, तो वो पूरा जो अपना समय था वो बस एक छोटे से कपड़े पर ऐसे रग पे जो नीचे उसका बिछाने के लिए चादर जो थी बस उस पे वो पड़ा रहता था और ऐसे हांफता रहता था। पैंटिंग का मतलब है हांफना। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फॉर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब डॉक्टर को पता था कि भाई ये तो होने वाला है ही, तो उन्होंने पहले ही अपने प्लान्स जो है बना लिए थे। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वो जो है कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसको हॉस्पिटल लाया जाए और फॉर्टनाइट के लिए, फॉर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, यानी कि 2 हफ्ते, 2 हफ्तों को 2 वीक्स को, और या फिर 15 दिन को अगर एक शब्द में आपको एक वर्ड में कहना है तो आप ये वर्ड फॉर्टनाइट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला डॉक्टर ने कि इसको ट्रिकी को जो है एक फॉर्टनाइट के लिए, इसको ट्रिकी को एक फॉर्टनाइट के लिए 15 दिनों के लिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। तो जैसे ही उसने ये सुना उसकी मिस्ट्रेस ने कि 15 दिन के लिए ट्रिकी को दूर रखा जाएगा, शी ऑलमोस्ट swooned, मतलब कि वो एकदम ऐसे बेहोश सी होने लग गई। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन जो डॉक्टर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला, फर्मली बोला कि नहीं, यही जो है हम करेंगे। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. So, Tricky की जो हालत थी बहुत ही ज्यादा खराब थी और डॉक्टर को ये लगा कि सिर्फ यही वो वे थी, यही वो तरीका था जिससे उसे बचाया जा सकता था। इनफैक्ट वो ये भी सोच रहे थे कि हमें डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इमीडिएटली उसे हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो वो जो है उन्होंने फटाफट से ट्रिकी को अपने ब्लैंकेट में कवर किया, एक चादर में लपेटा और उसे जो है अपनी कार में ले आए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, वो कार चलाने लगे। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। तो जैसे ही वो निकलने लगे, गाड़ी चलाने लगे, वैसे ही सभी जो है उसका जो सारा सामान जो है वो गाड़ी में भरने लगे, जितने भी वहां पर नौकर चाकर जितने थे वो भरने लगे, और जल्दी जल्दी फिर से मिसेस पम्फ्री जो थी उन्होंने भी रोते हुए, जोर जोर से ऐसे रोते हुए, उन्होंने बहुत सारे जो उसके छोटे छोटे कोट्स भी थे, मतलब कि सर्दी के कोट, बरसात के कोट, जो भी वो कपड़े वो पहनता था, कोट्स पहनता था, वो भी उन्होंने फटाफट से जो है गाड़ी की जो खिड़की है उसमें से डॉक्टर हैरियट की गाड़ी में डाल दिए कि उसको जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए वो डाल दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जैसे ही वो रस्ते से जैसे मुड़ने लगे थे तो उन्होंने शीशे में पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें नजर आया कि जो सभी लोग जो है वो रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो जैसे ही मैं और आगे बढ़ा, रस्ते में बढ़ा, तो मैंने जो वो छोटा सा एनिमल ट्रिकी जो था उसको मैंने उसकी तरफ देखा, तो देखा उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन थी, पथेटिक कंडीशन थी, बिल्कुल बेचारा सा हो रखा था वो, और मेरी सीट पे साइड में वो बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो मैंने उसके सर को थोड़ा सहलाया, उसको पैट किया, तो ट्रिकी ने बहुत ही हिम्मत करके थोड़ी सी कोशिश की अपनी पूंछ हिलाने की, बट बेचारे की इतनी बुरी हालत थी कि वो भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. So, doctor ko jo hai, Dr. Harriet ko bahut hi bura laga Tricky ke liye aur unhone bola ki bechara ye bilkul bhi hil nahi sakta hai, zara se bhi isme energy nahi hai, lekin mujhe lag raha hai ki mujhe tumhare liye perfect cure jo hai, solution jo hai, ilaaj jo hai, wo mujhe pata hai. So, ab isi pe based aapke questions hain, jaldi se aapke questions bhi dekh lete hain kya hai. So, pehla question hai aapka, Why did the speaker try to sound severe? तो जो उनके ये जो डॉक्टर हैरियट है वो बहुत ज्यादा सिवियर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों साउंड कर रहे थे?
तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि जो स्पीकर जो है डॉक्टर हेरेट जो है वो इसलिए सिवियर साउंड कर रहे थे क्योंकि वो मिसेस पंपरी को ये समझाना चाहते थे कि ये जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा गंभीर है, टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड टेक हिज इंस्ट्रक्शन सीरियसली, कि वो जो कह रहे हैं उसको वो जो है वो मिसेस पंपरी वो सीरियसली सुने। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन टू, फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए ये एडवाइस दी गई थी, जो सजेशन था वो दिया गया था और क्यों दिया गया था। तो ये जो एडवाइस दी गई थी वो मिसेस पम्फ्रीज डॉग ट्रिकी उसके लिए दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि वो जो उसकी मिस्ट्रेस जो थी वो उसे बहुत ज्यादा खाना खिला रही थी, ओवरफेड कर रही थी, पैम्पर कर रही थी और साथ इसी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा था। तीसरा क्वेश्चन है अब आपका, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद हुम, तो स्पीकर डॉक्टर हेरियट कहाँ जा रहे थे और किसके साथ जा रहे थे। स्पीकर एंड डॉक्टर हेरियट वो जो है लिटिल डॉग ट्रिकी के साथ जा रहे थे, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे अपनी कार में। चौथा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फोर, व्हाई वाज एवरीबॉडी इन टीयर्स, सभी जो है बहुत ज्यादा आंसू क्यों बहा रहे थे, क्यों रो रहे थे। सभी को ट्रिकी बहुत ज्यादा पसंद था, एवरीबॉडी लव ट्रिकी अलॉट, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और उसको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट के लिए, तो उसकी पुअर कंडीशन देख के, उसकी बुरी हालत देखकर और साथ ही साथ ये सोच सोच कर कि वो 15 दिन तक उन सबसे दूर रहेगा, इस वजह से सभी जो है बुरी तरह से रो रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, टू हुम एंड व्हाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड, तो ये डॉक्टर ने किसको कहा कि पुअर ओल्ड लैड और ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर डॉक्टर हेरियट उन्होंने पुअर ओल्ड लैड लिटिल डॉग ट्रिकी को कहा, और क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो पैथेटिक कंडीशन थी, बुरी हालत जो थी और उसकी इलनेस को देखकर उन्होंने उसको ऐसा कहा। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सिक्स, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, तो स्पीकर जो है यहाँ पर डॉक्टर हेरियट जो है उनको कौन सा क्योर उन्हें पता था। तो क्योर उन्हें यही पता था कि ओनली क्योर वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो यही चाहते थे कि ट्रिकी जो है कुछ समय के लिए घर से दूर रहे, जो लोग उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खिलाते हैं और बिल्कुल भी उसको एक्सरसाइज नहीं कराते, उससे थोड़ा वो दूर रहे और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए 15 दिन के लिए और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, यही जो है उसका क्योर होगा, यही इसी क्योर की वो स्पीकर जो है वो बात कर रहे थे। चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनका मीनिंग दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं और पैसेज में जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं कि इन मीनिंग का, ये जो वर्ड्स हैं इनका, इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड मीनिंग मैच करता है। तो पहला है आपका वर्ड सीरियस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्ट्रिक्ट या सिवियर उसमें से कौन सा होगा, तो सिवियर जो है जब वो बोलते हैं कि ही वॉन्टेड टू साउंड वेरी सिवियर, तो वो जो है मतलब कि वो बहुत ज्यादा सीरियस साउंड करना चाह रहे थे, यही आपका पहला आंसर है। बी पार्ट है आपका प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, तो जो एक्सरसाइज और डाइट करने को जो बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेजीम, तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, जो बताया होता है कि ये एक्सरसाइज करो, ये खाना खाओ, उसको रेजीम बोला जाता है, डिसिप्लिन नहीं कहा जाता है, डिसिप्लिन तो अनुशासन होता है। सी पार्ट है आपका फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, तो बहुत ज्यादा जब आप इमोशन को ही फील करते हैं तो जो एकदम से बेहोश होने की हालत हो जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वूंड कहते हैं या लिस्टलेस कहते हैं। लिस्टलेस जो है हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि भाई बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल ही एनर्जी नहीं होती उसे लिस्टलेस कहते हैं, स्वूंड कहते हैं जब आप बिल्कुल बेहोश होने लगते हैं उसे स्वूंड कहते हैं। डी पार्ट है आपका एक्सट्रीमली वरिड, मतलब कि बहुत ज्यादा चिंतित होना, ये वर्कशीट करते हुए मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतित होना। फिर आपका है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो 15 दिन या 2 वीक्स को क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं या फोर्टनाइट कहते हैं, जी हाँ उसे फोर्टनाइट कहते हैं, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, व्हाट इज द ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ, तो आपको ऑपोजिट वर्ड बताने हैं किसके। पहला है आपका हार्डन्ड, मतलब कि बहुत कठोर, उसका ऑपोजिट क्या है, सॉफ्टेंड या टफ, मतलब नर्म होना या बहुत ज्यादा टफ होना, तो ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट है सॉफ्टेंड, हार्डन का ऑपोजिट है सॉफ्टेंड। लास्ट है आपका चीयरफुल, मतलब कि बहुत ही खुश होना,
तो इसका ऑपोजिट क्या है, मेरी या डिस्पेयरिंग। मेरी का मतलब होता है अगेन बहुत खुश होना, हैप्पी होना, जैसे कि मेरी क्रिसमस मतलब हैप्पी क्रिसमस। और डिस्पेयरिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही बुरी हालत हो जाना, रो रो कर बुरा हाल कर लेना। तो इसलिए चीयरफुल का ऑपोजिट है डिस्पेयरिंग। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे ये डाउट पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इस वर्कशीट के आंसर्स आप पहले खुद करें, और फिर जो है इस वीडियो को देखकर आप आंसर जो है अपने क्रॉस चेक कर लें, या अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अच्छे से वीडियो को पूरी तरह से आप उसे देखिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही है इस वर्कशीट में। थैंक यू।